बजट 2020 कंज्यूमर मांगे मोर। जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही हो तो ऐसे समय में बजट पर लोगों की उम्मीदें ज्यादा टिकी रहती हैं। बजट पेश करने या वित्त मंत्री ब्रीफकेस नहीं बही खाता लेकर पहुंचती हैं और इस बार के बही खाते पर नजर इसलिए है क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास की घटती हुई परचेसिंग पावर और सेविंग को कैसे बैलेंस करती हैं कि देश के कंज्यूमर के हाथ में पैसा बचे ना कि टैक्स के रूप में पैसा कटे। तो कंज्यूमर की सबसे पॉपुलर और डिमांड नंबर वन टैक्स घटाओ सरकार। मंदी का तोड़ है कंजप्शन बढ़े, यानी लोग सामान खरीदें, इस्तेमाल करें, डिमांड बनाए, तभी तो अर्थव्यवस्था का चक्का घूमेगा। लेकिन कंजम्पशन तो तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में पैसा होगा। टैक्स घटाकर बजट के जरिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचाया जा सकता है। लंबे समय से इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बढ़ने का इंतजार कंज्यूमर कर रहे हैं। आखिरी बार मोदी सरकार के पहले टर्म में 2014 के जुलाई बजट में इसे 2 से 2.5 लाख किया गया था। रोजाना के खर्चों ने बैंड बचा रखी है तो कौन नहीं चाहेगा कि टैक्स कम करे सरकार। मौजूदा टैक्स दर है 5%, 20% और 30%, जिसमें 2.5 लाख तक निल टैक्स है और उसके बाद की आय टैक्सेबल होती है। कंज्यूमर को उम्मीद है कि 2.5 लाख की ये बेसिक एग्जेम्पशन को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाए, लेकिन सीधे 5 करने का मतलब है कि सरकार के लिए रेवेन्यू लॉस। इसलिए थोड़ा कंजर्वेटिव होते हुए बेसिक एग्जेम्पशन को अगर 3 लाख भी कर दिया जाए तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा बचेगा। 2.5 से 5 लाख के एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब है कि 5% के हिसाब से आप पर टैक्स लगता है 12,500 रुपए। वही अगर 3 से 5 लाख हो जाए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो 5% के हिसाब से आपका टैक्स होगा 10,000 रुपए की बचत। वैसे डायरेक्ट टैक्स को रिव्यू करने के लिए बनी कमेटी ने भी टैक्स की दरों को बदलने की सलाह दी थी। खबरों की माने तो उनके मुताबिक 2.5 से 10 लाख की आय पर 10% टैक्स लगना चाहिए, फिर 20% और फिर 30% और 35% की दर से। कई सालों तक हर बजट में हमें बताया गया कि डायरेक्ट टैक्स को बदला जा रहा है, इसलिए बजट में टैक्स की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। इस समिति का लक्ष्य था कि टैक्स पेयर्स की जिंदगी आसान बने, लेकिन टैक्स पेयर्स ने अभी तक इसका मुंह तक नहीं देखा है और अब कंज्यूमर किसी समिति की रिपोर्ट को नहीं देखना चाहता है बल्कि अपने ऊपर टैक्स के बोझ को कम होते हुए देखना चाहता है। तो इकोनॉमी स्लोडाउन के बीच में अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो ये कंज्यूमर के लिए गुड न्यूज साबित होगी। कंज्यूमर की दूसरी अर्जी, टैक्स छूट बढ़ाओ सरकार। बढ़ती महंगाई सेविंग्स पर भी प्रेशर डालती है। भारत की हाउस होल्ड सेविंग के ट्रेंड कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2011-12 में हाउस होल्ड सेविंग 23.6% पर थी जो 2017-18 में 17.2% पर आ गई है। डोमेस्टिक सेविंग जब बढ़ती है तो सरकार को भी इन्वेस्ट करने के लिए फंड मिलता है। सरकार और कंज्यूमर दोनों के लिए ये विन-विन बन सकता है अगर चैप्टर 6A के ATC डिडक्शन के दायरे को बढ़ाया जाए। इस डिडक्शन में 1.5 लाख तक के निवेश पर आप फुल टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, यानी इसे आप अपनी इनकम से डिडक्ट करते हैं जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाकी की आय टैक्सेबल होती है। मसलन अगर आपकी आय है 12 लाख, आप ATC के तहत 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसे फुली क्लेम करेंगे तो टैक्सेबल इनकम 10.5 लाख बन जाएगी। तो ATC के तहत आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यूलिप, ELSS, होम लोन की प्रिंसिपल, सुकन्या समृद्धि स्कीम, बच्चों की ट्यूशन फीस जैसे क्लेम्स पर छूट ले सकते हैं। लेकिन ATC को अगर पूरी तरह से निचोड़ भी लिया जाए तब भी कई निवेश छूट जाते हैं। कभी EPF के जरिए ही ये आधा से ज्यादा फुल हो जाता है, तो कभी होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट इतना बड़ा होता है कि कोई और निवेश दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 1.5 लाख की ये लिमिट तुरंत ही फुल हो जाती है। 2014 में से आखिरी बार बदला गया था। 1.5 लाख अगर 3 लाख तक स्ट्रेच नहीं हो सकता है तो कम से कम इसे 2 लाख के राउंड फिगर पर पहुंचा दिया जाए तो कंज्यूमर के लिए बचत का विंडो बड़ा हो जाएगा। इस बार बजट में बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे अलाउंसेस को बाय बाय करने का वक्त आ गया है, जिन पर मोटी धूल भी चढ़ गई है। 20 साल से चले आ रहे इन अलाउंसेस को हम में से कई जानते नहीं है और कई जानकर भी क्लेम करना ही भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि सरकार भी इन अलाउंसेस को भूल गई है। 100 रुपए पर मंथ एजुकेशन अलाउंस यानी साल के 1200 रुपए और 300 रुपए पर मंथ हॉस्टल अलाउंस जिसके बनते हैं सालाना 3600 रुपए। सवाल ये तो है ही नहीं कि ये इतना कम क्यों है।
सवाल तो ये उठता है कि क्या किसी स्कूल के खर्चे का ये नाम मात्र भी है, फिर इसे क्यों ढोया जाए। कम हो LTCG टैक्स। पिछले साल ही सरकार ने शेयर से होने वाले गेन्स पर टैक्स लगाना शुरू किया है। एक साल तक होल्ड करने के बाद शेयर्स को बेचने पर हुए मुनाफे पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, पर 1,00,000 तक का मुनाफा टैक्स फ्री है। इस टैक्स को लेकर सरकार के यू टर्न का सब इंतजार ही करते रह गए। इस LTCG टैक्स की वजह से बाजार से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स का मूड भी काफी खराब हुआ, लेकिन इस टैक्स को हटाया नहीं गया। सो LTCG टैक्स इज हियर टू स्टे, लेकिन 1,00,000 की गेन्स पर जो टैक्स छूट मिलती है इसे बढ़ाने की जोरदार मांग हो रही है। यानी 1,00,000 के गेन्स अभी तक माफ है, तो क्यों ना इस 1,00,000 को 3,00,000 कर दिया जाए और होल्डिंग पीरियड को भी 1 साल से 3 साल करने की मांग है। इस कदम से विदेशी और घरेलू निवेशक दोनों राहत की सांस लेंगे और लंबी अवधि में शेयर्स पर होने वाले टैक्स फ्री मुनाफे को एंजॉय भी करेंगे। सपनों के घर पर टैक्स छूट की छत चाहिए। वो कंज्यूमर जो अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं लेकिन होम लोन लेने से कतरा रहे हैं, उन्हें बाजार तक लाने के लिए इंसेंटिव चाहिए। सेक्शन 24 के तहत इंटरेस्ट पर केवल 2,00,000 की छूट मिलती है। हालांकि पिछले साल 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होने पर डीम्ड रेंट मानकर वसूले जाने वाले टैक्स को माफ कर दिया, लेकिन घर पर अच्छा खासा इंटरेस्ट देने वालों को केवल 2,00,000 की ही छूट मिल रही है। इसे अगर बढ़ाया जाए तो घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। होम लोन जैसे जैसे ज्यादा पुराना होता है उसका प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट बड़ा होता जाता है और उसके पे आउट पर छूट को ATC के दायरे में रखा गया है, लेकिन होम लोन की मोटी मोटी EMI पे करने वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर प्रिंसिपल पेमेंट पर छूट को ATC के दायरे से बाहर ले जाया जाए और अलग से इस पर छूट मिले। इससे लोन लेने की सुस्त चाल को भी पुश मिलेगा। हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 2019 के बजट में सेक्शन 80EEA की एक नई छूट इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सेक्शन 24 के इंटरेस्ट पर छूट के अलावा होम लोन के इंटरेस्ट पर एडिशनल 1,50,000 की छूट मिलेगी। इसे पाने के लिए घर की कीमत 45,00,000 तक होनी चाहिए, 35,00,000 का होम लोन होना चाहिए और घर खरीदने वाले का ये पहला घर हो। ATEEA की ये छूट 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही है। हालांकि इसे पिछले साल भी 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, इसलिए बचत घर खरीदार इस डेडलाइन को बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। एक जोरदार आइडिया जो कई न्यूज रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स कट का जो मॉडल पिछले साल सितंबर में नजर आया था, जिसमें कंपनियों का टैक्स 30% से 22% पर ला दिया गया, लेकिन माइनस सारे टैक्स छूट यानी बगैर किसी टैक्स एग्जेम्पशन के, तो क्या इस आधार पर देश के इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को भी होम लोन के इंटरेस्ट पर छूट, अफोर्डेबल घर खरीदने पर छूट, ATC डिडक्शन, अलाउंसेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भूलकर एक फ्लैट लेकिन कम टैक्स रेट मंजूर होगा? इसके जवाब के लिए तो अब 1 फरवरी का इंतजार ही करना पड़ेगा।